हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अमृति फैशन मेरा। आज के वीडियो में हम ये पगड़ी बनाएंगे। इसे बनाना बहुत ही इजी है गाइस। यहाँ पे हमने बहुत ही कम मटेरियल का यूज़ किया है। हमने ये पगड़ी अपने इस ड्रेस की मैचिंग की बनाई हुई है, ये देखिए। तो चलिए हम इसे बनाते हैं। मुकुट बनाने के लिए हमें देखिए ग्रीन कलर में शॉर्टन का फैब्रिक चाहिए, रेड कलर में शॉर्टन का फैब्रिक चाहिए। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं, हमने यहाँ शॉर्टन लिया है। और यहाँ पे फिर से हमने वही ग्रीन वाला शॉर्टन फैब्रिक लिया है। और ये हमने मुकुट का बेस लिया हुआ है। बेस बनाना हमने अपनी कई वीडियो में बताया हुआ है, हमने सुई धागे की हेल्प से भी बताया है और ग्लूगन की हेल्प से भी बताया है। सबका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप चेक कर लें। ये हमने 11 इंच लंबा और 2 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है। ये हमने 9 इंच लंबा और 1.25 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है। और ये हमने 6.5 इंच लंबा और 5 इंच चौड़ा फैब्रिक लिया है। अब देखिए सबसे पहले हमें क्या करना है, हम इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे। ये शॉर्टन है इसलिए हमने देखिए इसे चारों साइड से जला लिया है। अब हम इसके ऊपर प्रेस लगाएंगे। हमें ऐसे छोटी छोटी प्लेट डाल के प्रेस लगाना है। तो चलिए हम इसके ऊपर पहले प्रेस लगा लेते हैं। हमने प्रेस लगा लिया, अब हम सिलेंगे इसे। यहाँ से इन सभी को हमें ऐसे इकट्ठा करके सिल लेना है। अब हम पगड़ी पे सिलेंगे इसे। ये सेंटर है, यहाँ से लगाएंगे ऐसे करके। यहाँ से देखिए ये सिल गया है। अब इसे हमें ऐसे फैला के पीछे ले आना है। अब हम इसे यहाँ पे चिपकाएंगे। हम इसे फैब्रिक ग्लू की हेल्प से चिपकाएंगे। अब यहाँ पे हम पिन करेंगे। जब ये सूख जाएगा तब हम निकालेंगे इसे। आप चाहें तो यहाँ से भी सिल सकते हैं, बट हम ऐसे करेंगे तो यहाँ बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। अब देखिए इसे हम आगे लेके आएंगे ऐसे करके, और यहाँ एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। ऐसे करके हम इसे यहाँ पे सिल लेंगे। ये देखिए ये इसके ऊपर बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब हम इन दोनों को बनाएंगे। हमने ये जो लेस ली हुई है इसे हम ऐसे करके लगाएंगे इसके ऊपर, जिससे ये लॉक हो जाए। ऐसे में लगाना है और हम इसे यहाँ से लगाएंगे, यहाँ से यहाँ, फिर यहाँ से यहाँ। बस हमें इतनी दूर नहीं लगाना है। और सेम हम ऐसे ही इसके ऊपर भी लगा लेंगे। तो चलिए हम दोनों के ऊपर लगा लेते हैं। हमने इन दोनों को सिल लिया है। और एक चीज़ और गाइस, हमने इसके पीछे देखिए पेपर पेस्टिंग लगाई हुई है। और यहाँ पे हमने ये जो ग्रीन कपड़ा लगाया है इसकी मेजरमेंट आपको देखिए कैसे लेनी है अपने कान्हा जी के लिए। देखिए हम यहाँ से शुरू कर रहे हैं। ये हमारा 5.5 इंच आ रहा है। हमने 6.5 इंच लंबा फैब्रिक लिया था, आपको भी ऐसे ही करना है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब देखिए हमें क्या करना है, इस पर ऐसे ऐसे प्लेट डालनी है। अब इसे हम दबा देंगे जिससे ये थोड़ा सा सेट हो जाए। ये देखिए ये हो गया है। अब इसे हम यहाँ से सिलेंगे।
अब इसे अपनी पगड़ी पे लगाते हैं, यहाँ से हम लगाएंगे ऐसे करके। अभी देखिए यहाँ पे ये अच्छे से सेट हो गया है। ऐसे हमें रेड वाले को भी करना है। हमने यहाँ पे देखिए रेड कलर में भी बना लिया है और एक छोटा सा गोल्डन कलर में बना लिया है। जो लेस हमने ऊपर लगाई थी उसी से हमने इसे बनाया है। अब हम यहाँ से इसे कट करेंगे, ये जो एक्स्ट्रा हमारा दिख रहा है। हम इसे हल्का सा जला लेंगे यहाँ से, जिससे ये खुले ना। और उसके बाद देखिए हम इसे यहाँ पे ऐसे लगाएंगे रेड वाले को, और यहाँ गोल्डन वाले को लगा लेंगे, और इसके ऊपर एक बूटी लगा लेंगे। हमारा ये मुकुट बन के कंप्लीट हो जाएगा। ये सिंपल और सोबर बहुत ही सुंदर लगता है गाइस। तो चलिए हम इसे लगा लेते हैं। जैसे हमने इसे सिला है वैसे हम इन दोनों को सिलेंगे, और यहाँ पे हम बूटी फैब्रिक ग्लू की हेल्प से लगाएंगे। ये देखिए हमारी पगड़ी बन के कम्प्लीट हो गई है। हमने यहाँ पे एक ग्रीन कलर में नग लगा लिया है, ये छोटी सी बूटी लगा ली है, और ये व्हाइट मोती लगाई है जिससे ये व्हाइट टच है। और यहाँ से ये देखिए ग्रीन हमने लगाया था इसलिए हमने यहाँ पे ग्रीन लगा लिया है। हमने पीछे से पिन भी निकाल दिया है, ये देखिए ये सूख गया है पीछे से। सो फ्रेंड्स, आई होप आज की वीडियो आपको अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ में बेल आइकन पर प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले आपको। सो थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू फॉर वॉचिंग।